हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा, यानी कि लेयर्ड पराठा, जिसमें ढेर सारी लेयर होती है और ये पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और फ्रेंड्स इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इस लच्छा पराठा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा ली हुई है। और इसमें साथ मैं डालूंगी 2 चम्मच घी, आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15-20 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकती हैं, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो। मैंने इतने आटे की 3 लोइयां ली बनाई हुई हैं। इसे हम मैदे में डिप करेंगे और इसे बेल लेंगे और इसे हम बिल्कुल पतला बेलेंगे। आप चाहें तो इसे घी लगा के या तेल लगा के भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसे सूखा आटा लगा के बड़ा किया हुआ है, जिससे बेलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल लिया हुआ है और काफ़ी ये बड़ा बेला है मैंने। अब हम इसमें घी लगा देंगे। आप घी की जगह तेल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो आपको के पास अवेलेबल हो। अब फ्रेंड्स, एक चाकू की ही सहायता से हम इसकी बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स काट करेंगे। तो जितनी पतली आप स्ट्रिप्स कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा लेयर्स इसमें बनेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे पराठे में इस तरीके से स्ट्रिप्स कट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से हम जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एक चाकू की हेल्प से, उसे हम ऐसे इसकी सारी लेयर रोल करते जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। स्ट्रिप्स काटने के बाद हम इसे बस चाकू से ऐसे ही रोल करते जाएंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता है। अगर आपको पराठा खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और इसकी गोल लोई जैसी बना लेंगे, जिससे कि बेलने में आसानी होगी। ये देखिए, ऐसे हम घुमाते जाएंगे और इसे ऐसे जॉइंट करते जाएंगे और इसे हमें ऐसे ही रखना है, जिससे कि इसकी लेयर्स ऐसे ही बनी रहें। बस सारी लेयर्स को हम अच्छे से चिपका देंगे और ये हमारा पराठा बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों ये लोइयाँ बना ली हुई हैं और इसे साइड से अगर ये निकले तो इसे अच्छे से चिपका दें, थोड़ा सा गोल कर देंगे हाथ से। अब हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, इसे बस हमें ऐसे ही बेलना है, बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के नहीं बेलना है, ऐसे उठा उठा के हम इसे बेलते जाएंगे। और ये पराठा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है, थोड़ा सा मोटा ही रखना होता है। और आपको इसकी लेयर्स भी दिख रही होंगी, पकने के बाद इसकी सारी लेयर्स बहुत अच्छे से क्लियर दिखेंगी। और दूसरी साइड में मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया हुआ है, इससे मैंने घी लगा दिया हुआ है। अब हमने जो पराठा बेल के तैयार किया हुआ है इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हम इसमें डाल देंगे। और एक साइड से हमारा पराठा हल्का सा सिक गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे और इसकी इस साइड में हम घी लगा देंगे। घी से बना हुआ पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बट आप चाहें तो इसे तेल से भी बना सकते हैं।
दूसरी साइड में हम घी लगा देंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो हल्का सा दबाते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पराठा हमारा एक साइड से बहुत अच्छे से सेक गया है, तो दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। और आप इसकी लेयर्स देखिए कितनी ढेर सारी लेयर्स दिख रही हैं। इसे बनाने में थोड़ी सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये पराठा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स देखा ना कितना आसान है घर पर ही बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लच्छा पराठा बनाना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जल्दी मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।